नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसान विज्ञान पर। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं NPK 0050 की। तो जैसे अब फरवरी का महीना आ चुका है तो गेहूं में जो बाड़ियाँ हैं वो बननी स्टार्ट हो गई हैं, दाना बनना जो है वो शुरू हो गया है। तो कई किसान भाइयों का एक सवाल रहता है कि इसमें 0050 की स्प्रे करें या ना करें, तो आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस किसान भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं NPK होता क्या है। NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। ये एक तरह से घुलनशील उर्वरक होते हैं, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स होते हैं। इनको पानी में घोल करके स्प्रे करी जाए तो इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाशियम की जो डेफिशिएंसी खेत में होती है उसको पूरा किया जा सकता है या पौधे में इन चीज़ों की पूर्ति की जा सकती है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। तो NPK 0050 में जो नाइट्रोजन है वो 0 और फास्फोरस 0 और इसमें जो पोटाशियम सल्फेट है वो 50% की मात्रा से पाया जाता है। तो इसमें जो देखा जाए सिर्फ और सिर्फ इसमें पोटाशियम है, तो आप इसको पोटाश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात पोटाशियम सल्फेट यानी NPK 0050 के टेक्निकल की बात करें तो इसमें वाटर सोल्यूबल पोटाशियम 50%, सल्फर सल्फेट 17.5% और सोडियम 2% और टोटल क्लोराइड 2.5% के हिसाब से इसमें पाए जाते हैं। अगर हम 0050 की फायदे की बात करें तो ये पौधे में प्रोटीन की मात्रा तथा अनाज में शर्करा की मात्रा को बढ़ा देता है और पोटाशियम पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और अनाज में जो दाने हैं उसमें चमक लाने का काम भी 0050 यानी कि पोटाशियम सल्फेट करता है। अगर बात दाने की करी जाए तो ये दाने का आकार भी बढ़ाता है और जो उसके दाने का निखार है उसको भी बढ़ाता है और गेहूं को अच्छे से पकाने के लिए भी बहुत लाभकारी है। पिछले कुछ एक दो साल से देखा जा रहा है जैसे ही फरवरी महीना आता है तो टेम्परेचर जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो इस कारण जो गेहूं की बाड़ियाँ हैं वो जल्दी से सूखना स्टार्ट हो जाती हैं, जिस कारण जो गेहूं का दाना है वो कमज़ोर रह जाता है। तो उसमें भी 0050 की जो स्प्रे है उसमें बहुत फ़ायदेमंद है, तो हर किसान भाइयों को इसकी स्प्रे अवश्य करानी चाहिए। तो चलिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।